वो महज 16 साल की थी, 11वीं में पढ़ती थी। कई सालों से हेयर सलून चलाने वाले अपने बॉयफ्रेंड आलोक को जी जान से चाहती थी। उसे शादी करने के सपने देखती थी। परिवार वालों को दोनों के इश्क का पता था और कोई एतराज नहीं था। दोनों के घर वाले शादी के लिए उसके बालिग होने का इंतजार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन उन दोनों की लव स्टोरी में मोहल्ले के ही कुछ दबंग विलन बन बैठे। आलोक के सैलून में घुस गए और उसे जमकर मारा पीटा। फिर आलोक के फ़ोन से ही कॉल करके कह दिया कि तेरे बॉयफ्रेंड आलोक को मार डाला। यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी जान दे दी। नमस्कार, मेरा नाम है अपना प्रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीटर हिंदी। समाज को समझार कर देने वाली यह घटना यूपी के जिला बरेली की है। बारादरी इलाके के संजय नगर में रहने वाली नाबालिग छात्रा को सिर्फ इसलिए अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उसके मोहल्ले में रहने वाले कुछ दबंगों को उसका और आलोक का इश्क मंजूर नहीं था, जबकि दोनों के परिवार वालों को उनके रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। इसके बावजूद मोहल्ले के लड़कों ने कुछ ऐसा किया जिससे उसे जान देने पर मजबूर होना पड़ा। छात्रा की मां ने बारादरी थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उसके घर आलोक का आना जाना था। वह हेयर सलून चलाता है। उसके घर वाले उनकी बेटी से आलोक की शादी कराना चाहते थे, इसलिए रिश्ते का प्रस्ताव रखा था, मगर उनकी बेटी 16 साल की थी, इसलिए बालिग होने पर शादी करने की बात कहकर रिश्ता पक्का कर दिया था। लेकिन मोहल्ले के ही कुछ लड़के उन दोनों परिवारों की नज़दीकियों से रंजिश मानने लगे। शुक्रवार रात जब आलोक हेयर सैलून बंद कर रहा था, तभी मोहल्ले के लड़के सैलून में घुस गए और उसकी जमकर पिटाई लगा दी। उससे रुपए, सोने की चेन और मोबाइल लूट लिए। फिर आलोक के फ़ोन से उनकी बेटी के नंबर पर कॉल करी। उसे बताया कि उन्होंने आलोक को जान से मार दिया है। यह सदमा उनकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकी और फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इससे घर में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छात्रा की मां ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। फिलहाल बारादरी थाना पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर मामले की जांच कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि द लीडर हिंदी से बात करते हुए छात्रा के भाई ने क्या जानकारी दी। ये मेरी छोटी सिस्टर है, चचेरी बहन है। एक्चुअली ये घर पे थी, मैं बाहर था। तुम्हें बाहर वालों से पता चली कि ये कोई से बात कूद करती है ना, तो ये पता चली कि उस लड़के को मार रहा है गली वालों ने, उस लड़कों ने गली में देरी वगैरह। तो उसने उसे फ़ोन करके कहा इन लोगों ने, मेरी बहन को, कि हमने उसे ये मारा, उसे मार डाला, उसे आके ले आया। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसी चक्कर में एलएस होके उसने सुसाइड कर लिया। कब से बात करती थी और कैसे? वहाँ काफ़ी टाइम से बात करती थी और घर वाले भी आ जाते थे, घर से भी आ जाते थे। शादी की भी पक्की करा देती थी कि हाँ शादी करा देंगे, बट ये बीच में इन लोगों ने पत्नी क्या पूरी खुंदस उतारी ने क्या, तो इस चक्कर में वो ने सुसाइड कर लिया। उन लोगों का विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, विवाद यही था वो गली में आते बदमाशी वगैरह करते हैं, और जो बात है वो घर पे जो लड़का है आलोक वो आता जाता रहता है, इस और कोई बात नहीं। बाकी नाबालिग थी, इसकी मम्मी ने कहा अभी 16 साल की है, अभी बालिग हो जाएगी, मतलब कि तभी शादी कराएंगे, तब तक का वेट। उसके बाद कुछ खा लिया था कि फांसी लगा? खाया कुछ नहीं, फांसी लगा ली थी। किस चीज़ से फांसी लगाई थी? दुपट्टे से, कुंडे पंखे कुंडा होता। मेरे को रात में पता चला ये 11 बजे करीबन, 10:30 या हाँ 11th क्लास में। लड़के से बात करती थी, वो कहाँ का रहने वाला है? वो गोसाई गौड़िया का रहने वाला है। कब से बात करती थी? काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल 2.5 साल हो गए थे। तो उसकी मम्मी भी राजी थी कि यहाँ से शादी करा देंगे वगैरह, कभी छोटी है बड़ी होगी। सिम कास्ट या अलग? नहीं, वो शायद अदर कास्ट का था। कितनी उम्र है लड़के की? भी थोड़ी ऐसी है बस। थाने में लेके थाने में शिकायत वगैरह उसका तहरीर वगैरह दिया और जो वहाँ लेगा डिस्ट्रिक्ट उसका वो कराने मेडिकल वगैरह करा, उसकी मार उठ लगाई बहुत बिगड़।